तो गाइज मेरा पैक लग गया था और अब टाइम हो रहा है, 6 बजने वाले हैं, 15-20 मिनट बाकी हैं, मतलब 5:30 हो रहा है और मैंने पैक लगा लिया था। 1 घंटा हो चुका है, बस मैं कृष्णा को तैयार कर रही हूँ ट्यूशन छोड़ने जाऊँगी, बाल धो करके और बस ऐसे ही चली जाऊँगी जूड़ा लगा करके, फिर मैं आकर के बालों को सुखाऊंगी और वीडियो वगैरह शूट करूँगी, क्योंकि ना डेली देखो नहीं हो पा रहा है आजकल काम, डेली वीडियोज़ बनाना पॉसिबल ही नहीं है, मतलब इतना सारा काम होता है ना कि मतलब बता नहीं सकती मैं आप लोग को। तो बस मैं इनको छोड़ करके आ रही हूँ और छोड़ कर आने के बाद से आगे का काम देखती हूँ क्या करना है मुझे। ठीक है, तो मैं सोच रही हूँ ये वाला पहन लेते हो अगर आएगा तो, इतना मोटा हो गया शरीर मेरा, जबकि मैंने बहुत सारा भी वेट कम किया है अपना, फिर भी मतलब जो है ना वेट बढ़ ही रहा है, बढ़ ही रहा है। मैंने ना रसगुल्ला नहीं छूट रहा मेरा, मतलब जो छेना मैं खा रही ना वो नहीं छूट रहा। चलो आज का व्लॉग यहीं पर एंड कर रही हूँ, मैं इसको ट्यूशन व्यूशन छोड़ करके आती हूँ, फिर आगे कंटिन्यू करूँगी। ये वीडियो यहीं पर एंड कर रही हूँ, उसके आगे का कंटिन्यू कर दूँगी। अगर आप लोग के मैसेज बहुत सारे होंगे, मुझे बस केवल 50 से 60 कमेंट चाहिए इस वीडियो के नीचे, आप लोग बोल दीजिएगा तो फिर मैं इसके ट्यूशन के बाद का जो छोड़ने जाऊँगी वहाँ से शूट कर लूँगी, ये वीडियो एडिट करके अपलोड कर दूँगी। बाय। गाइस वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल, आज है आपका वेनसडे और वेनसडे से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने ना एक न्यूड कलर की लिपस्टिक मंगाई है, इसका रिव्यू आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। आप लोग पूछेंगे ये कैसी है, तो न्यूड कलर की लिपस्टिक मुझे बहुत ही पसंद है, काफ़ी अच्छी लगती है। और हाँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि न्यूड लिपस्टिक के ऊपर अगर आप लिपस्टिक लगा लो कोई डार्क कलर की तो अच्छी आती है, ऐसा कुछ नहीं है। स्टेक वेल की लिपस्टिक है ये, और शेड इसका ना समझ नहीं आ रहा है मुझे, 27 नंबर शेड है। मैं ना जहाँ से मैंने इसको परचेज़ किया है वहाँ से मैं आप लोग को डालूँगी, पर्ड नेकलेस करके इसका नाम है, न्यूड लेट मी मेक पर्ड नेकलेस 27 शेड है नंबर इसका। ठीक है, ये है कलर, बहुत अच्छा कलर है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो बाकी भी मैं सर पे दुपट्टा आप लोग देख रहे होंगे कि क्यों रखा है, तो मेरे पापा जी नहीं आए हैं, ससुर जी आप सोच रहे होंगे कि इनके फादर इन लॉ आए हैं, नहीं वो नहीं आए हैं, अभी मैंने केवल किचन के कपड़े वॉश किए थे। देखो शाम का टाइम है इस समय, ठीक है 7 बज रहा है और मैं जा रही हूँ अभी पूजा करूँगी। ठीक है, थोड़ा सा मैं लेट हो गई हूँ क्योंकि ना लाडू रोने लगी थी। अब जब बच्चे छोटे होते ना तो बच्चों का कुछ पता नहीं होता वो कब रोने लगे। बाकी मेरी पूजा सूरज डूबता है इधर और उधर मेरी पूजा शुरू हो जाती है, मैं दिया जोत लगा देती हूँ, और कोई भी इंसान ना पूजा पाठ में देखो झूठ नहीं बोलता है। ठीक है, तो अभी मैंने ना अभी रक्षाबंधन के लिए भी बहुत सारे कलेक्शन लेकर आई हूँ मैं, तो वो भी मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। देखिए मैं किसी का पेड प्रमोशन नहीं करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं किसी का सूट पहन रही हूँ तो मैं वहाँ पर डाल रही हूँ तो मैं उनसे पैसे लिए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप उनसे पूछ भी सकते हैं। तो मैं किसी का पेड प्रमोशन नहीं करती हूँ, कि बहुत सारे लोगों के कल मेरे पास मैसेजेस आए हैं कि आप पेड प्रमोशन करती हैं, आपने नीरिया फैशन वाला जो चैनल है आपने उसका किया है तो आपने क्या चार्जेस लिए हैं, आपके क्या चार्जेस हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं, मेरे कोई चार्जेस नहीं हैं, मैं करती नहीं हूँ पेड प्रमोशन। मुझे कपड़े की क्वालिटी जो है ना मैं अपने हाथ से देख करके लाती हूँ तो वो ज़्यादा समझ में आता है। तो जो मैम हैं जिनसे मैं कपड़े वगैरह लेती हूँ तो वो मुझे अच्छे से जानती हैं। ठीक है, तो उनके पास से जो कपड़े मैं लेकर के आई थी, मंगाई थी मैं फ़र्स्ट टाइम, तो उनके कपड़े की क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, तो मैंने उनसे 7-8 सूट लिए थे। ठीक है, और अभी भी मैंने उनसे ही लिए हैं रक्षाबंधन पर, बट मेरा कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं उनसे मतलब उनसे मैं सूट फ्री में ला रही हूँ या उनसे मैंने पैसे लिए हैं अपना उनका प्रमोशन करने के लिए या कुछ करने के लिए, ऐसा नहीं है। तो देखिए गाइज आप लोग मुझे मैसेज मत कीजिए कि दीदी आप हमारा पेड प्रमोशन कर दीजिए, क्योंकि ना मैं करती नहीं हूँ ये सब चीज़ें, आप लोगों को पता भी होगा मैं करती ही नहीं हूँ पेड प्रमोशन, है ना। तो बस ये चीज़ थी मुझे क्लियर करनी थी, मैंने क्लियर कर दिया है। बाकी मैंने भी किचन के कपड़े वॉश किए थे, देख सकते इतने सारे किचन में कपड़े मैं यूज़ करती हूँ। तो मैं मुझे ना यार एक चीज़ की समस्या बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, क्या है कि किचन बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। आप लोग को होम टूर दूंगी, थोड़ा सा ना बिजी हूँ, फ्री हो जाऊँ। देखो अभी 10 तेल बनाने हैं मुझे, ये 10 पार्सल आज मुझे रेडी करने हैं। पाउडर तो मैंने रेडी कर दिए हैं, सीरम रेडी कर दिए, ये 10 तेल मुझे रेडी करने हैं जो कि पार्सल निकलने हैं। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर स्टिकर्स लगा करके रख दिया है। और देखो मेरे घर में कोई नहीं होता है, कुछ लोगों को लगेगा ये झूठ बोलती, कृष्णा दूर हटी लाडो से, यहाँ लाडो और कृष्णा खेल रहे हैं। आज कृष्णा ने बोला, मतलब मेरा पैर पकड़ के बोल रहा है, मम्मा प्लीज़ आज मुझे ट्यूशन मत भेजिए ना, मैंने मेकअप नहीं करा है, लिपस्टिक लगाई है, लिपस्टिक अभी रिसीव हुई थी इसलिए लगाई है और मुझे अच्छी लगी थी न्यू लिपस्टिक। बाकी क्या है ना, एक दो लोगों का मेरे पास मैसेज आता है, और मेरी मम्मी का भी कहना है कि जैसे तुम लिपस्टिक लगाती हो, ठीक है, तो लिपस्टिक जब तुम लगाती हो तो 2-3 लिपस्टिक ऐसी फ्रेश रखो कि जब तुम्हारा व्रत हो, फास्ट हो, तो लिपस्टिक लगाओ। कहते हैं कि जब आप व्रत करते हो तो उसमें आप अच्छे से सज संवर के रहो तो अच्छा रहता है, अच्छा भी लगता है, खुद को भी फील अच्छा होता है। और कुछ लोग कहते हैं दीदी आपका पेट भी निकल रहा है, क्या आप फिर से प्रेग्नेंट हो? तो भाई 2 बच्चे के अलावा और बच्चे नहीं चाहिए मुझे, मेरे पास 2 बच्चे हैं, 2 फैमिली हमारी कंप्लीट है, हमें अब बच्चे जरूरत नहीं है, तो मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। दूसरी चीज़ ये
कि आप लोग के इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स, इतनी सारी ब्लेसिंग्स मेरे साथ में हैं, तो मुझे और किसी चीज़ की नीड नहीं है, है ना। पेट मेरा है अभी, देखो ये इतना पेट है मेरा। मैं आप लोग के साथ में जो वीडियोस बना करके डालती हूँ ना, तो ये देखो मेरी, आप लोग फैमिली मेंबर हो तो मैं आप लोग के साथ में हर एक चीज़ शेयर करती हूँ, इसलिए शेयर कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे बॉडी शेम कर रही हूँ या कुछ, क्योंकि ना मेरे ब्लॉग्स कुछ लोगों को अच्छे लगते हैं, तो मैं सिर्फ और सिर्फ उनके लिए ब्लॉग्स बनाती हूँ। और अभी मैं खाने में बनाऊँगी बहुत तेज से बोलती हूँ, थक जाती हूँ। खाने में बनाऊँगी आपका क्या बोलते हैं उसको, टिंडे का स्टफ, मतलब भरवा टिंडा जो होता है वो बनाऊंगी, ठीक है। और देखिए कृष्णा और लाडो खेल रहे हैं। कृष्णा अपनी साइकिल को आप बेटा वहाँ रखिए, पार्क करिए जल्दी से, नहीं बहुत मार पड़ेगी आपको, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया, सारा कुछ सेट कर दिया है, अब मैं जा रही हूँ पूजा करूँगी, ठीक है। और जो हमारा टिंडा था मैंने इसको भी कट करके अच्छे से एक बॉईल कर लिया है, देखिए आप लोग, है ना। इसको मैं फिर से रख दूँगी बॉईल होने के लिए, क्योंकि ना ये थोड़ा सा कच्चा सा है, तो ये थोड़ा सा बॉईल हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। आशीष ने नहीं खाया है कभी टिंडे का स्टफ, तो मैंने कहा कोई नहीं मैं खिलाती हूँ आपको बना करके, तो बस वो खिलाऊंगी इनको। और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। तो देखो मैं पूजा करने के लिए क्या करती हूँ, ये वाली जो दिया है ना मेरी, आप लोगों को दिखाती हूँ, ये दिया और ये प्लेट, ठीक है, इस पर रखती हूँ मैं, और इसके नीचे भी मैं चावल रखती हूँ, ठीक है। तो जो कि मैं दिया जलाती हूँ, ये आंवले के पेड़ के पास, और तुलसी जी को, और केले के पौधे को, ठीक है। मंगलवार है, मंगलवार को और संडे को कहते हैं कि तुलसी जी में, देखो लाडो खेल रही है, आप लोग ये नहीं कहना कि दीदी वो चिल्ला रही और आपको व्लॉगिंग करने की लगी है। हाँ इन्हें मारा, इन्हें मारा था, हाँ पूजा नहीं करने देता, वैसी लेते करा मुझे, सारा गंदा कहीं का बाबू मेला, सारा गंदा हुआ पड़ा, नहाता भी नहीं। अब मैंने यहाँ पर सारा बोला है, बहुत सारे लोग सोचेंगे मैंने यहाँ पर साला बोला है, मैंने गाली दी है, गाली नहीं दी है, साला गंदा कहीं का मतलब सारा, ठीक है। आप लोग गलत वे में मत लीजिएगा, क्योंकि हम लोग खुद ही अब्यूजिंग यूज नहीं करते, ठीक है। तो देखिए मैं अपनी आप लोग को थोड़ी सी पूजा की झलक दिखा देती हूँ, क्योंकि ना कहते हैं कि पूजा की कोई भी चीज़ दिखानी नहीं चाहिए। जय हो माता रानी के सामने आओ, और दिल से एक बार आप अगर प्रणाम कर लेते हो ना, आपकी सारी जो प्रॉब्लम्स है ना हर लेती हैं, वो ख़त्म कर देती हैं। पूजा के बर्तन डेली साफ़ होने चाहिए, देखिए डेली साफ़ होने चाहिए, ये साफ़ किया हुआ है, बट इसमें ऑयल वगैरह हम डाल देते हैं ना, जैसे जोत लगा रहे हैं तो क्या होता है कि वो, और ये दिया भी डेली साफ़ होती है, बट ये काली हो गई है जल जल के। बहुत ज़्यादा पूजा नहीं करना, मतलब बहुत ज़्यादा दिखावा नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी चाहिए, जो चीज़ आप फॉलो कर सकते हो लॉन्ग टाइम तक सिर्फ आप वो कीजिए, ठीक है। तो मैं एक बार रेडी कर लेती हूँ, मैं मंत्र वगैरह जो भी करती हूँ वो सारी चीज़ें मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। तो मैं एक बार ना तैयारी कर लेती हूँ और उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है। ले आइए, तो क्या हो गया लाडो, ओम सर्व मंगल मांगे शिवे शर्वा शादी के शरणकम्बे के गौरी नारायणी नमोस्तुते, ओम सर्व मंगल मांगे शिवे शर्वा शादी के शरणकम्बे के गौरी नारायणी नमोस्तुते, ओम हनुमान ओम अंजनी सुत ओम वायुपुत्र ओम महाबला ओम रामेश ओम फाल्गुन सखा ओम पिंगा सोमामित्र विक्रमा ओम विक्रमण ओम सीता शोक विनाशना ओम लक्ष्मण प्राणदाता ओम दशरी दर्पा ओम श्री 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 अष्ट सिद्धि नंदी के दाता स्वर दीन जानकी माता, अष्ट सिद्धि नंदी के दाता स्वर दीन जानकी माता, अष्ट सिद्धि नंदी के दाता स्वर दीन जानकी माता, अष्ट सिद्धि नंदी के दाता स्वर दीन जानकी माता, अष्ट सिद्धि नंदी के दाता स्वर दीन जानकी माता, अष्ट सिद्धि नंदी के दाता स्वर दीन जानकी माता, ओम सर्व मंगल मांगे शिव शर्वा शादी के शरण तंब के गौरी नारायणी नमस्ते। बेटा उसको चोट नहीं लगनी चाहिए, हां ठीक है मम्मा, बोलिए ओम नमो, ओम नमो भगवते, भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय नमः, नमः ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम नमो भगवते, ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, वासुदेवाय नमः, नमः नमः। मम्मा अब तो दे दो, बेटा एक मिनट रुक जाइए, दिया लगा लो, भगवान जी भी तो भूखे होते हैं कि नहीं होते हैं, जैसे हम लोग को भूख लगती है ना। मम्मा देखो मैंने भगवान जी को पैसे दिया है, भगवान जी को आपने पैसे नहीं दिए, भगवान जी आपको पैसे देते हैं, बुद्धि देते हैं, बल देते हैं, विद्या देते हैं, पैसे देते हैं। मैं तो खुद ही ले रहा हूँ पैसे, और भगवान जी मुझे, मैं
छोटी सी गाड़ी दे दो, फॉर्चूनर। भगवान फॉर्चूनर गाड़ी छोटी होती है क्या? टॉय वाली आती है पागल। अच्छा टॉय वाली चाहिए। सो गाइस मैं आप लोग को एक बार दिखा दूं है ना कि क्या तैयारी मैंने करी है। और अब आप देखिए माता रानी को मैं माला चढ़ा दूंगी। मेरे पास डिमांड आई थी कि दीदी आप अपनी पूजा रूटीन शेयर किया कीजिए, ठीक है? तो बस इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ, मैं यहाँ पर कोई शो ऑफ नहीं कर रही हूँ, ठीक है? मेरे पास डेली माला आती है और डेली मैं माला चढ़ाती हूँ माता रानी को। है माता रानी, सॉरी मैं दिखा रही हूँ, लोग दिखाते नहीं है, वैसे पूजा पाठ नहीं दिखाते गाइज। आप लोग देखो बुरा मत मानना, जो चीजें सही हैं वो सही हैं, ठीक है? तो चलिए मैं पूजा कर लेती हूँ। और मैंने देखो ये घी का दिया और चावल इसके नीचे रेडी कर दिया है भगवान जी के लिए। और जब हम दिया जलाते हैं ना तो हमारे जो देव हैं अग्नि देव, उनके लिए भी हमें फूल लगाना होता है, फूल चढ़ाना होता है, ठीक है? तो चलो अब मैं पूजा करके आप लोगों से मिलती हूँ, बाय। पूजा करती हूँ तो लाडो को मैं यहीं लिटा देती हूँ, है ना? और लाडो यहीं पर लेटी रहती है मेरी, छोना बेटा लाडो। कृष्णा पंखा बंद करिए बेटा, जल्दी बंद करिए। आप ना स्लीपर लाइन से लगाया करिए, ऐसे स्लीपर को नहीं फेंकते, ठीक है? मेरी पूजा हो चुकी है और अब मैं जा रही हूँ खाने की तैयारी करूंगी। और इतनी देर में हमारे मेंबर्स की कॉल आना शुरू हो जाएगी बिकॉज 8 बजने वाला है, ठीक है? और मैंने पूजा वूजा कर ली है। बेटा मम्मी बस 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 पार से नाडो भाई लिखना आया था आपको, आप तो बले ओले हो। हाँ तो आप ही का तो है, कैसे पता? सारे मेंबर्स की बातें करते करते मैंने यहाँ पर अपना वीडियो, मेरी बात चल भी रही थी मेंबर से, ऐसा नहीं कि नहीं चल रही थी, मेंबर से मेरी बात भी चल रही थी। और मैं यहाँ पर जो आपका टिंडे होते हैं ना, स्टफ़ वाले टिंडे, वो बनाए थे और काफ़ी अच्छे बने थे। इसके ना मसाला जो थे, जो मैंने इसमें स्टफ़ किया था, वो बहुत टेस्टी बना था। तो आप लोग के साथ मैं कभी शेयर करूँगी, क्योंकि ना हर एक चीज़ का, जो भी आप स्टफ़ बनाते हैं, स्टफिंग वाला चीज़ बनाते हैं, वो मतलब वेजिटेबल की बात कर रही हूँ मैं, तो सभी के मसाले अलग होते हैं, करेले के अलग होते हैं, टिंडे के अलग, आलू के अलग, प्याज के भी बहुत सारे लोग बनाते हैं, मैं भी बनाती हूँ प्याज का, वो भी मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। पता है मैं बहुत टाइम से सोच रही हूँ वीडियो डाल दूँ, वीडियो डाल दूँ, और ये वीडियो एडिट होने का नाम ही नहीं ले पा रही थी, इसलिए मैंने कहा चलो आज तो कोशिश करके वीडियो को डालना ही डालना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे जो टिंडे हैं फाइनली होने वाले हैं, तो मैं इसको कवर कर दूँगी जिससे अच्छे से ये पक भी जाएँ। तो आगे की वीडियो देखते हैं। सो जाओ सो जाओ सो जाओ, मम्मा को सुला दो आप भी लाडो, आ कर दो आ निकल 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 निकल, चल 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 भाई चल चल, मैं आना हूँ भाई कल के, ओए भाई कहाँ जा रहा है? ट्यूशन जा रहा है भाई, तू नहीं जाती? मुँह दिखा अपना लाडो, मुँह दिखाओ, ए लाडो। माय ब्लॉग चैनल देखो, इनको शैतानी कर रही है ये, मुझे आज वीडियो शूट नहीं करने दे रही है। 3 बार मैं जा चुकी हूँ किचन में, सारा सामान रख करके सेटअप कर रखा है, बट ये लड़की मुझे वीडियो नहीं बनाने दे रही है आज। समझ नहीं आ रहा कैसे होगा। देखो आज वीडियो में ये सारी चीज़ें यूज़ होने वाली है, मैं सारा लेकर के आई हूँ, बट जब जब इसको बेड पे लिटा रही हूँ, लिपस्टिक शेड इज़ बहुत ही बढ़िया है, लिपस्टिक शेड इज़ टू गुड, देख सकते हो आप लोग, कोई फिल्टर नहीं है, जो कलर है वही कलर है वाला है, और फिर भी कितनी रोशनी है बाहर।
बाबू वीडियो नहीं बनाने दोगे का? देखो लाडो के यहाँ यहाँ पोर्स बंद है, इधर और इधर बाल नहीं आए, पीछे भी नहीं है, ये देखो लाडो को हिकअप आ रही है। बेटे सो जाते, ए लाडो लाडो, देखना आप लोग इसकी शैतानी, देखना कैसे करती है शैतानी। चलो आओ, लाडो को सुलाऊंगी अब और मैं वीडियो बनाऊंगी। हाँ लाडो लेटेगी, है ना बेटा? चलो लाडो लेटो, हाँ चलो यहाँ लेटो, यहाँ लेटो, मम्मा लेटेगी, बाबू के साथ लेटेगी मम्मा। क्या, चलो सीधा होके लेटो, सीधा हो, हाँ सीधा हो, सीधा सीधा होके सो जाओ, सो जाओ। वीडियो नहीं बनेगा, दो दिन से नहीं गया है, सब लोग कह रहे दीदी वीडियो क्यों नहीं आला, क्यों नहीं आला, तो बता तू ही कह रहा है नहीं आएगा वीडियो। होगा बच्चू का ला, बच्चों वीडियो बना लेने देता, दिनों में ये सारे टॉय वॉश करके रखे गए गाइस, आप लोग ये मत सोचिएगा कि ऐसे ही रखा हुआ है और लाडू मुंह में ले जा रही है। और मैं ना अपनी बेड सीट भी ना हर दो दिन बाद चेंज कर देती हूँ, तीसरे दिन तो बिछनी नहीं है। लाडो आप खेलोगे, मैं वीडियो बना लूं। आ रहे तुमको, हाँ मेरा बेटा कैसे परेशान हुआ, क्या हुआ, वीडियो नहीं जाएगा, नहीं बनेगा वीडियो, अरे लाडो का वीडियो, सब लोग गंजे हो जा रहे ना, जैसे आप तक ले हो, बताओ कैसे काम चलेगा, नहीं बनेगा। अच्छा ठीक है ठीक है, हाँ गुच्छा निकलो, अच्छा नीतीश, हाँ क्या हो गया, हाँ मेरा बेटा कैसे नोया, अब नहीं रोएगा, कैमरा जानता है तू, हाँ गंदा मामा, हट गंदा मामा, अरे मामा का एला दुखी, हट गंदा, चलो चलो भाई को ले आए, घुमू चलेगा, चल आजा। सो गाइस लाडो वीडियो तो नहीं बनाने दे रही हैं और 7 बज गए हैं, आप लोग को पीछे वॉच में दिख रहा होगा, है ना, तो मैं बस जा रही हूँ कृष्णा को ले आऊँ, देखती हूँ बनेगी वीडियो तो आएगी, क्योंकि ना ये बहुत रो रही है, बहुत ज़्यादा रोती है, मतलब एक्टिंग करती है ये रोती नहीं है, ये एक्टिंग करती है, देखो कैसे, हाँ किनमाना, चलो मैं ले आऊँ, बोलो सबको, कह दो मैं जा रहा हूँ भाई को लेने अपने, बोलो भाई को लेने जा रहा हूँ, चाबी कहाँ है, चाबी कहाँ है, चाबी लाडो, चलो भाई को ले, सबको बाय। चलो गाइज मैं आके कंटिन्यू करती हूँ, अगर ये करने देंगे कुछ तो आएगा व्लॉग, सॉरी वीडियो आएगी ऑयल की, और नहीं करने देंगे तो फिर कोई बात ही नहीं।
ब्लॉग शूट करते हुए जा रही हूँ मैं अभी। यहाँ पर मैंने फ़िल्टर यूज़ किया है थोड़ा सा, क्योंकि ना यहाँ पर अंधेरा है और फिर ना अंधेरे में ना कोई चीज़ अच्छे से दिखेगी नहीं आप लोगों को। जहाँ पर फ़िल्टर यूज़ करूँगी वहाँ पर बता दूँगी। फ़िल्टर क्या, इसमें ना एक लाइट होती है, मतलब फ़ोन में ना अलग अलग तरीके की लाइट्स वगैरह होती हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं इनको, फ़िल्टर ही बोलते होंगे। तो जहाँ पर करूँगी वहाँ पर बता दूँगी, जहाँ पर नहीं करूँगी वहाँ पर नहीं बताऊँगी। तो मैं जा रही हूँ कृष्णा को लेने, कृष्णा को लेकर आऊँगी, फिर खाना वाना बनाऊँगी, पूजा करूँगी। हाँ तुम्हें तो ज़्यादा पता है, तभी तो तुम कुछ करने नहीं देगी हो, है ना, कुछ नहीं करने दोगे ना तुम। लिपस्टिक बहुत अच्छी, बहुत अच्छा कलर है, विदाउट फिल्टर दिखाती हूँ। विदाउट फिल्टर ये ऐसा कलर दिखा रहा है, ठीक है। तो आप लोग चाहो तो ले सकते हो, कलर बहुत अच्छा है, ब्रांड बता दूँगी। लॉन्ग लास्टिंग भी है, ऐसा नहीं है कि लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, और बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है। आई थिंक मेरे ख्याल से 200 रुपये की है। हाँ तू भी लगाएगा लिपस्टिक, लगाएगा तू अभिषेक। चलो मैं मिलती हूँ आप लोगों से। फाइनली कृष्णा आ गया है, उसको मैंने पिक कर लिया है, और अभी हम लोग जा रहे हैं घर। सब लोग अच्छे से पढ़ाई किया था? हाँ, मजा आया था। और फिर कल आओगे ना? हाँ, कल आऊंगा। चलो लड्डू तुम भी बाय कर दो, व्लॉग यहीं एंड कर।